सो हे गाइज, वेलकम बैक। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम एड्स अकाउंट को ओपन कर रखा है और करेंटली यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पे 7 कैंपेन्स रन हो रहे हैं। 7 में से यहाँ पर मैंने 2 कैंपेन्स को आज होल्ड कर दिया है, बाकी के 5 कैंपेन्स मेरे अभी भी एक्टिव हैं। यहाँ पर मैंने इन चैनल्स के नेम को हाइड कर रखा है क्योंकि ये सारे चैनल्स मेरे क्लाइंट्स के चैनल्स हैं, ये सारे लोग मुझसे एड्स रन करवा रहे हैं। तो जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी टेलीग्राम एड्स के ऊपर, उस वीडियो को वॉच करने के बाद आप लोगों में से काफी लोग कुछ क्वेरीज वगैरह थी, लाइक उनको जानना था कि उनको एक सब्सक्राइबर कितने रुपए का पड़ेगा, अगर उनको टेलीग्राम एड्स चलाना या फिर चलवाना है तो कितने दिन के लिए कैंपेन चलाना चाहिए जिससे उनको फायदा मिले, कितना बजट रखना चाहिए, कितना CPM रखना चाहिए और कितने रुपए में उनकी कितने मेंबर्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और आप लोगों में से जो भी लोग मुझसे टेलीग्राम एड्स की सर्विसेज लेना चाहते हैं, मतलब अपने चैनल्स की एड मुझसे लगवाना चाहते हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना डैशबोर्ड वगैरह तो ओपन कर रखा है, यहाँ पर मैंने अपने चैनल्स के नेम तो हाइड कर रखे हैं, बट यहाँ पर आप लोग व्यूज, क्लिक्स, ज्वाइंट, CTR, CPM, CPC, CPS, स्पेंट, बजट, टारगेटिंग, ये सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को ये सब तो देख रहा है, बट आप लोग में से काफी लोग को ये नहीं पता कि यहाँ पर CTR का क्या मतलब, CPM का क्या मतलब, CPC, CPS इन सब का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है बजट का, स्पेंड का, CPC का, CPS का, इसको अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना बैठेगा, तो वो सब भी यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को व्यूज देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप लोग के वो सारे व्यूज आ जाएंगे, मतलब कि आपकी एड कितने लोगों को शो हुई है। जैसे यहाँ पर ये जो मेरा कैंपेन है सबसे नीचे वाला जो कि थर्ड कैंपेन है, इसमें यहाँ पर अब तक 16,952 व्यूज आ चुके हैं, मतलब इस वाले कैंपेन में जो चैनल प्रमोट हो रहा है ना उसकी एड अब तक 16,952 लोगों ने देख रखी है। अब बात करें अगर हम क्लिक्स की, तो यहाँ पर क्लिक्स आए 922, यानी कि 16,952 लोगों को एड शो हुई, उसमें से 922 लोगों ने क्लिक किया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग का, कि मतलब इतने क्लिक्स में हमारे कितने बंदे ज्वाइन हुए हैं, तो यहाँ पर 922 क्लिक्स में यहाँ पर 196 मेंबर्स हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा CTR, CTR मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, या आप लोग को परसेंटेज में शो होगा, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लोगों ने आपकी एड देखी ना उसमें से कितने परसेंट लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया है। जैसे यहाँ पर 16,952 लोगों ने एड देखी, उसमें से 922 लोगों ने क्लिक किया, इससे अगर आप लोग परसेंटेज निकालेंगे तो करीब 5.44% का परसेंटेज होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा CPM, CPM का मतलब होता है यहाँ पर कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर माइल का मतलब होता है कि आप लोग 1000 एड व्यू से कितना पैसा पे करना चाहते हैं। बेसिकली इसे आप लोग एक तरीके से बिडिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जितना ज्यादा CPM रखेंगे उतनी जल्दी आप लोग की एड शो होगी और उतनी ही जल्दी आप लोग के मेंबर्स भी एड होंगे, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाता है, जितनी जल्दी आप लोग की एड शो होगी उतना ही जल्दी आपके बजट भी खत्म हो जाए। अगर आप लोग 10 टन डेली का बजट लगाते हैं और अगर आप लोग उसका CPM 0.05 रखते हैं तो हो सकता है वो पूरे दिन में भी खत्म ना हो, बट अगर आप लोग 1 टन का CPM रख लेंगे तो हो सकता है 1-2 घंटे में ही आपका पूरा बजट चला जाए। तो जो CPM होता है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, अगर आप लोग CPM को कम रखते हैं तो हो सकता है आपकी एड ना चले, और अगर आप लोग CPM को हाई रख देते हैं तो हो सकता है आपकी बजट बहुत जल्दी पूरा कट जाए और आप लोग को रिजल्ट भी कुछ ना मिले, इसलिए आप लोग को CPM बहुत ध्यान से रखना होता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा CPC, CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आप लोग को एक क्लिक की कितनी कॉस्ट पड़ रही है। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये जो CPC है 0.02, अगर आप लोग इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो भी यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इसकी जो करेंट वैल्यू है अभी वो 93 रुपीज की है, यानी कि अगर हम 0.02 का CPM रखते हैं ना तो इसका मतलब हम 93 रुपए का टारगेट सेट कर रहे हैं 1000 व्यूज के लिए। अगर हम 1 टन का CPM रखते हैं ना तो उसका मतलब हो जाता है हम 464 रुपए पे करेंगे 1000 व्यूज के। और ये जो प्राइस ना ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि जो टॉन कॉइन है ना वो एक बहुत ही अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। तो यहाँ पर जो 0.02 की वैल्यू है वो यहाँ पर 94 रुपए, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग आगे के टॉइन्स की भी यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद
यहाँ पर आ जाता है हमारे सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब ये होता है कि हमें एक क्लिक का कितना रुपए पे करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग किसी किसी कैंपेन को देखें जिसमें काफी अच्छी ज्वाइनिंग आ रही है, सीटीआर जिसका हाई है, उसमें आप लोग को 0.00 शो होगा क्योंकि ये बहुत ही कम रुपए में हमें कॉस्ट पर क्लिक पड़ रही है। और जिसपे आप लोग को ज्यादा पड़, जैसे यहाँ पर ये जो कैंपेन है 0.02 का, इसकी ज्वाइनिंग बहुत ही कम हो रही है, सीटीआर काफी कम है, क्योंकि ये जो चैनल है ना ये ज्यादा एंगेजिंग नहीं है। आपके चैनल पे तभी ज्यादा ज्वाइनिंग है जब आपका जो चैनल होगा वो एंगेजिंग होगा। ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉस्ट पर क्लिक समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर ये जो चैनल है इसकी जो कॉस्ट पर क्लिक पड़ रहा है वो यहाँ पर 0.01 का पड़ रहा है। इसको अगर आप लोग इंडियन करेंसी में देखें तो यहाँ पर 100 क्लिक्स के हमारा एक टॉन कट रहा है, मतलब 464 रुपये में यहाँ पर हमें 100 क्लिक्स पड़ रहे हैं इस वाले कैंपेन के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद यहाँ पर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है कॉस्ट पर सब्सक्राइबर, यानी कि आप लोग को एक सब्सक्राइबर कितने रुपए का पड़ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैंपेन है जो काफी महंगा कैंपेन पड़ रहा है, इसका जो सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर 0.11 टोन का एक सब्सक्राइबर पड़ जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहीं अगर आप लोग इसके नीचे वाला कैंपेन देखें तो इसका जो सब्सक्राइबर पड़ रहा है वो यहाँ पर 0.01 का है। इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो 464 रुपए में 100 सब्सक्राइबर, मतलब 4.5 रुपए के आसपास एक सब्सक्राइबर की ज्वाइनिंग हो रही है इस वाले कैंपेन में। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग को और भी मिल जाए, जैसे ये वाला जो कैंपेन है इस पर यहाँ पर जो सब्सक्राइबर पड़ा 0.02 टोन का पड़ रहा है, इसमें 0.01 का, 0.05, 0.02, 0.03, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सब्सक्राइबर पड़ता है ना वो मेनली आप लोग के CPM टारगेटिंग और आपके चैनल के एंगेजमेंट के ऊपर बढ़ता है। अगर आपका जो चैनल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने अरेंज कर रखा, आप लोग के बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, आप लोग प्रेडिक्शन अच्छी थे, तो डेफिनेटली आप लोग का CTR हाई रहेगा और कम क्लिक्स में भी आप लोग को ज्यादा ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपका स्पेंड भी कम होगा और आप लोग को ज्वाइनिंग भी ज्यादा मिल जाएगी। अगर वहीं आपका जो चैनल है वो इनएक्टिव है, आपने सिर्फ एड लगा दिया, आप पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, तो वहां पर आप लोग जो सब्सक्राइबर पड़ेगा ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा, जैसे यहाँ पर इस वाले कैंपेन में पड़ रहा है। ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर रेगुलरली पोस्ट नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बजट के। वैसे तो आप लोग को बजट के बारे में पता ही होगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम टेलीग्राम एड्स है तो वहां पर आप लोग को 20 टोन एड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग एड चला सकते हैं इनिशियल बजट में। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग 10 टोन से भी कैंपेन को रन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी आ जाती है टारगेटिंग। टारगेटिंग की अगर हम बात करें तो आप लोग को उसी निश के चैनल्स को टारगेट करना है जिस कैटेगरी का आपका खुद का चैनल है, और मैं आप लोग को ये चीज रिकमेंड करूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को टारगेट करें और ऐसे चैनल्स को टारगेट जिसमें ऑर्गेनिकली इंगेजमेंट हो। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें 1-1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं पर व्यू 100-200 के आसपास आते हैं, वही कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 हजार सब्सक्राइबर होने के बाद 500-600 हजार तक व्यूज आ जाते हैं। तो आप लोग को इस तरीके के चैनल्स को टारगेट करना है जो कि भले ही छोटे चैनल्स पर उन पर जो रीच होनी चाहिए वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसी से आप लोग को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग बिल्कुल आराम से बैठेंगे, थोड़ा टाइम देके अगर आप लोग टारगेटिंग करेंगे ना, चैनल्स को फाइंड करेंगे, तो वहां पर आप लोग को अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे और फिर आप लोग उन्हें टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को स्टेटस शो होगा और यहाँ पर आप लोग की सारी डेट वगैरह आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे टेलीग्राम एड्स डैशबोर्ड के बारे में कि CTR क्या होता है, CPM क्या होता है, CPC, CPS सब क्या होता है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोग कुछ और बातें बता देता हूँ जो कि आप लोग की हेल्पफुल रहेंगी। तो देख यहाँ पर अगर आप लोग जब भी एड्स कैंपेन खुद से लगाएं या फिर किसी और से लगवाएं ना, तो आप लोग कम से कम मिनिमम 10 टोन का बजट रखें ही रखें, क्योंकि आप लोग जितना लंबा कैंपेन रखेंगे ना उतना ही अच्छा आप लोग को रिजल्ट मिलेगा और इसके साथ साथ आप लोग को उतना ही सस्ता कैंपेन पड़ेगा। अगर आप लोग सोचेंगे 2-3 दिन का हम कैंपेन लगवा लें तो वहाँ पर आप लोग को ना ही रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा और ना ही आप लोग को सस्ता पड़ेगा, वो आप लोग काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। वहीं अगर आप लोग 7-8-10 दिन का कैंपेन लगाएंगे ना, वो आप लोग को सस्ता ही पड़ेगा और उससे आप लोग को रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो जब भी आप लोग कैंपेन लगाएं या फिर लगवाएं, आप लोग कैंपेन थोड़े लंबे टाइम के लिए रखना है, मिनिमम 7 से 8 डेज आप लोग कैंपेन रखना ही रखना है, और बजट आप लोग मिनिमम 10 टोन का रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ ठीक तरीके से समझ गए होंगे टेलीग्राम एड्स के बारे में। अगर आप लोग को अभी कुछ क्वेरी या फिर कुछ पूछना है तो आप लोग नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को मुझसे टेलीग्राम एड्स लगवाना है अपने चैनल के लिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी मैसेज कर रखा है टेलीग्राम एड्स के लिए, अब तक मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, बट यहाँ पर अब मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा और सबके टेलीग्राम एड्स कैंपेन को चलाऊंगा। तो आप लोगों में से जिसको भी अपने टेलीग्राम चैनल्स के लिए एड रन करवाना है वो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर आप लोगों को मेरा बॉट अकाउंट मिल जाएगा चैनल के बायो में। सिंपली आप लोग को मुझे वहाँ पर मैसेज करना है, मैसेज करते ही वहाँ पर आप लोगों को मेरा पर्सनल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग मुझे दोबारा मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, फ्यूचर में इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।